नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के धनबाद जिले के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र बरारी एक नंबर तालाब में मंगलवार को एक छात्रा का तैरता हुआ शव मिला था। शव को बाहर निकालने पर पता चला कि छात्रा के चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। आशंका जताई जा रही थी कि छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर राजद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की, दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। वहीं युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि धनबाद की घटना हृदय विदारक घटना है, सरकार जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई करे। घटना धनबाद में जो जोड़ा पोखर तालाब में जो बच्ची की डेड बॉडी मिली है, पढ़ने वाली लड़की थी। मैं सबसे पहले तो उनके परिवार को सांत्वना देते हैं कि ये इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और सरकार से मैं मांग करता हूं कि इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करे और फास्ट ट्रैक कल्पित जो व्यक्ति है, जोशी जो व्यक्ति है, उसको पकड़े और फास्ट ट्रैक का गठन करके सरकार जल्द से जल्द उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, ताकि इस तरह से जो अपराधी लोग हैं भविष्य में इस ऐसी निंदनीय घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। यह मैं राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करती है। देखिए, कहीं न कहीं बात आती है कि झारखंड में जो रेप की घटना हो या हत्याएं हो, ये काफ़ी बढ़ रही है। इस पे हम लोग पहले भी माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग किए हैं और अभी भी मांग करते हैं कि इस तरह की घटनाओं पे या लाइन ऑर्डर है उस पे रोक लगाई जाए, लाइन ऑर्डर को कड़ा किया जाए, विधि व्यवस्था कड़ा किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। अब धनबाद की घटना को लेकर आप लोग बता दें, एक मंतसा अजमेरी जो स्कूली छात्रा है, स्कूल के लिए जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, और उस क्रम में उसका अपहरण होता है और मार के तालाब में फेंक दिया जाता है, उसके साथ उसके मुंह पे तेजाब छिड़का जाता है। कितना दर्दनाक घटना है, उसके लिए सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से उसके पूरे पीड़ित परिवार को करते हैं कि सहन करने की क्षमता दे भगवान उनको, और सरकार से मांग करते हैं उसके परिवार को मुआवजा दे और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के, और जो उनकी हत्या में संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ताकि आगे इस घटना का प्रवृत्ति न हो और आगे से लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए।